तो जीत का कारण नंबर वन आकाश मधवाल, और ये है मुंबई इंडियंस के नए बुमराह। उनके आंकड़े आपको दिखाते हैं किस तरीके के आंकड़े रहे। जबरदस्त प्रदर्शन है इस सीजन के किसी भी गेंदबाज के, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया आंकड़े आकाश मधवाल के आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस की है, बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, जिनको सैल्यूट करना पड़ेगा। आज उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है। ओवर इन्होंने 3.3 फेंके हैं, रन इन्होंने महज 5 दिए हैं। यहीं पर यह गौरतलब बात है कि रन 5 दिए हैं, विकेट इन्होंने 5 लिए हैं। इकॉनमी 1.42। जितने दिनों से हम ये शो कर रहे हैं, जितनी बार मैंने ये आंकड़े पढ़े होंगे, लेकिन आज तक ऐसी इकॉनमी किसी की देखने को नहीं मिली है कि 5 रन देके 5 विकेट इन्होंने ले लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहां ये कहा जाता है कि मुंबई की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बेहद कमजोर है, हम आज भी बात कर रहे थे कि बैटिंग हैवी टीम है लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं कमतर रह जाती है, लेकिन आज बॉलिंग सबसे बड़ी वजह रही कुणाल जीत की। बिल्कुल, आकाश मडवाल का प्रदर्शन काबिले तारीफ है, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। और मैं आकाश मडवाल की जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। आंकड़े आपने दिखाई दिए किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, 5 रन देकर 5 विकेट किसी भी बल्लेबाज ने, किसी भी गेंदबाज ने, माफ कीजिएगा, अभी तक नहीं झटके, इस सीजन में तो नहीं, और मुझे नहीं याद आ रहा पिछले सीजन में भी किसी ने इस तरीके का प्रदर्शन किया हो कि पंजा लिया हो, फाइफर लिया हो, सिर्फ 5 रन देकर। तो ये कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। उनको उनकी यॉर्कर्स जो है उनकी काफी फेमस है। थोड़ी सी छोटी छोटी बातें इनके बारे में बताना चाहूंगा ताकि व्यूअर्स को पता लगे कि आकाश मडवाल आखिर है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी जानते कि ये कौन है, कहां से आए, इनका बैकग्राउंड क्या है। पहले तो यही बता दे कि इन्होंने 10-12 दिन पहले ना जीटी के खिलाफ जो है 3 विकेट लिए थे, वहां से इनका नाम हुआ। पहला इनका डेब्यू सीजन है, ये पहली बार खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से और ये इनका डेब्यू सीजन है। जब इन्होंने जीटी के खिलाफ विकेट लिए तो जीटी के खिलाफ विकेट लेने के बाद इनसे जब बातचीत की गई ब्रॉडकास्ट के दौरान तो इन्होंने बोला भी कि भाई ये मेरा बेस्ट नहीं है, माय बेस्ट इज येट टू कम। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 4 विकेट जो है इन्होंने हैदराबाद के खिलाफ लिए जो पिछले मुकाबले में मुंबई के, और अब इन्होंने उस प्रदर्शन को भी बेटर कर दिया। अब 5 विकेट इन्होंने निकाले और एक तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया लखनऊ की टीम को। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जिगर से गेंदबाजी, जिसे कहते हैं ना कि भाई एक तेज गेंदबाज जो है फुल थ्रॉटल जो है अपने दिल से गेंदबाजी कर रहा है, जान दोनों लगा दिया, पूरी दिल लगा दी, और गलती जो है ना वो फिर लखनऊ के बल्लेबाजों ने की। आकाश के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बताना जरूरी है। 25 साल की उम्र में इन्होंने हार्ड बॉल से, मतलब कि जो क्रिकेट की बॉल होती है उससे क्रिकेट खेलना शुरू किया। उससे पहले वो टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेलते थे। 25 साल की उम्र में तो गेंदबाज आ जाते हैं मगर इन्होंने 25 साल की उम्र में शुरू किया। इन्होंने इंजीनियरिंग की है, रुड़की के ही रहने वाले हैं, वहीं से इन्होंने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद कुछ महीने कुछ साल नौकरी भी की, शायद एक डेढ़ साल नौकरी करी। 2018 में इन्होंने नौकरी छोड़ी, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी और वहां पर इन्होंने लेदर बॉल से गेंदबाजी करनी शुरू की। बड़ी बात होती है कि आपका करियर कहीं पे शुरू हो गया, आप इंजीनियर हो, फिर आप रिस्क लेते हो लाइफ में इतना बड़ा, और आपने कभी भी जो है लेदर बॉल से गेंदबाजी नहीं की, आप छोड़ देते हो नौकरी को और क्रिकेट में, क्योंकि वो सेटल होने की उम्र होती है। एग्जैक्टली, 25 साल की उम्र बहुत होती है भाई। एग्जैक्टली, 25 साल में लोग सेटल हो जाते हैं और वो इन्होंने जॉब छोड़ के एक रिस्क उठाया। ऋषभ पंत के जो बचपन के कोच है अवतार सिंह, उनसे इन्होंने कोचिंग लेनी शुरू की, वहां से इनका क्रिकेटिंग करियर शुरू होता है। पिछले साल ही ये मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस से जुड़े एज ए नेट बॉलर के तौर पर, या उसके बाद जो है अब इनको फाइनली इंडक्ट किया गया। मैचेस इन्होंने खेले, हर मैच के साथ बेहतर होते चले गए और बिजनेस एंड की तरफ आते आते इनका ट्रू पोटेंशियल देखने को मिला। इनकी यॉर्कर्स बड़ी फेमस है, जो आखिरी विकेट 5वां विकेट इन्होंने लिया वो यॉर्कर से ही लिया है। तो लोग ये भी कह रहे थे और कई जगहों पे ये आर्टिकल्स भी छपे कि भाई मुंबई को नया बुमराह मिल गया, यॉर्कर किंग मिल गया, नया बुमराह मिल गया। थोड़ा सा बड़ी बात होगी कहना बुमराह से तुलना करना, बुमराह तो एक एस्टैब्लिश इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उनकी एक झील दिखाई दे रही है, उनकी झलक दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट डाला मुंबई इंडियंस के लिए, आकाश मडवाल उसी राह पर है। पहला सीजन है, बुमराह को भी बुमराह बनने में एक दो सीजन लगे थे, वैसे ही यहां पर आकाश मडवाल को भी जो है इनका जो कॉन्फिडेंस है यहां से और ऊपर जाएगा। पहले 3 विकेट थे जीटी के खिलाफ, फिर 4 विकेट हैदराबाद के खिलाफ, अब 5, मतलब 5 ले लिया। तो कमाल ही था, कमाल का प्रदर्शन, और जीत के कारण नंबर 1 आकाश मडवाल रहे।